fun and fun. शेर और चूहे की कहानी। एक दफा का जिक्र है, दूर किसी जंगल में एक शेर रहता था। वो एक दरख्त के नीचे आराम कर रहा था, तभी उसने एक आहट की आवाज सुनी जो कि उसी दरख्त के ऊपर एक घोंसले से आ रही थी। शेर ने यहां वहां देखा और फिर से सो गया। कुछ देर बाद फिर आहट हुई तो फिर उसकी आंख खुल पड़ी तो शेर बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़ा हो गया। उसने फिर यहां वहां देखा और गुस्से में सो गया। कुछ देर बाद जैसे ही वो सोने वाला था, उसके पास से एक चूहा गुजरा। वो फिर आहट की आवाज के साथ शेर जाग गया। उस चिड़चिड़े शेर ने बहुत गुस्से में उस चूहे को पकड़ लिया। चूहा बहुत डर गया और उसने शेर से कहा, ऐ जंगल के अजीम राजा, मैं एक नन्ही सी जान हूँ, मुझे जाने दो, मैं तुम्हें एक ना एक दिन इसका अच्छा बदला जरूर दूंगा। शेर ने उसकी बात सुनी और सोचने लगा कि भला ये छोटा सा चूहा मुझे क्या नफा दे सकता है। अगर फिर भी उसने उसे नहीं मारा और उसे जाने दिया। कुछ दिनों बाद जब शेर जंगल में घूम रहा था तो एक शिकारी के जाल में फंस गया। शेर ने वहां से निकलने की बहुत कोशिश की मगर वहां से नहीं निकल सका। वो जोर जोर से धाड़ने लगा। उसकी आवाज सुनकर वो ही चूहा वहां पर आ पहुंचा। उसने शेर को जाल में फंसा देखकर उसकी मदद करने का सोचा और फिर वो जाल के ऊपर चढ़ गया और जाल को कुतरने लगा। कुछ देर में सारा जाल कुतर दिया और शेर आजाद हो गया। शेर ने फिर उस चूहे का शुक्रिया अदा किया और फिर उसने ख्याल किया कि वाकई में कोई छोटी चीज किसी से कम नहीं होती। अगर वो शेर उस दिन उस चूहे को ना छोड़ता तो आज शेर भी जिंदा ना बच पाता। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।